हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आज आर रिलेशन है। आज हम एनजीओ के बारे में बात करेंगे। यस, कल हम विजिट किए थे धानु में शेयरिंग हैंड फाउंडेशन के साथ, उनकी टीम के साथ हम गए थे और वहां पे हम लोग ने धानु एक ट्राइबल विलेज में वहां पे कुछ बच्चे जो पढ़ते हैं उनको हम लोग ने स्कूल किट दिया और पूरे ईयर का उनका जो एक्सपेंसेस होता है, उनके जो रिक्वायरमेंट होती है उनको फुलफिल किया है। तो हमें काफ़ी अच्छा लगा ये कर एक्टिविटी। पर लेकिन ये सिर्फ हमने नहीं किया, ये हमारे सारे जो कस्टमर्स हैं जो हमसे जुड़े हैं सालों से, एंड जो हमने एक्टिविटी की थी मदर्स डे पे, फिर 1 जून पे जो इंटरनेशनल डे था और जो फादर्स डे था, इन सब में हमने 10% डिस्काउंट के बदले हमने वो 10% एनजीओ को दिया है। और ये 10% एक अच्छा खासा अमाउंट हुआ है जो कि हमने उनको फिर एज अ डोनेशन हमारे तरफ से और हमारे कस्टमर्स की तरफ से दिया है। और मैं बताना चाहता हूँ कि डोनेशन ना एक फिक्स अमाउंट नहीं होता कोई, मतलब आप कोई भी अमाउंट से डोनेशन कर सकते हो। तो हमें काफ़ी कस्टमर्स पूछते हैं और काफ़ी लोग भी पूछते हैं कि कितना अमाउंट डोनेट करना है, कि क्या कैसे करना है। बट लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि आप डोनेशन एक अमाउंट देख के मत करिए। आपको जितनी भी श्रद्धा है आपके अंदर, आपको जितना कैपेसिटी है, आप जितना कर सकते हैं आपके मन के अनुसार आप करिए। तो हमने भी डोनेशन काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, हम मतलब कुछ साल हो गए हमें कि हम डोनेशन कर रहे हैं, बट हमने कभी पब्लिसिटी नहीं की उसकी। बट इसी ईयर से हमने चालू किया, हमने देखा है कि रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया है, मतलब और भी लोग जुड़ते हैं डोनेशन के लिए। मतलब अगर वो हमें देख रहे हैं कि हमने ये एक्टिविटी की है तो उनके दिमाग में भी ऐसे आता है कि उन्हें भी करना चाहिए ये एक्टिविटी। और ऐसे मुझे लगता है कि और भी लोग हमसे जुड़े हैं और कई लोग इंक्वायरी भी कर रहे हैं और कुछ लोगों ने तो कुछ लोगों ने तो वहाँ पर आके डोनेट भी किया है। एंड ऐसे ही हमारे एक फ्रेंड है और कस्टमर भी है, तो रोहन सर जिनका पैंथम मोटो है, उन्होंने भी एक्टिविटी एक ऐसे ही एनजीओ के साथ की है। तो अब मैं आपको उनके पास ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कि उन्होंने क्या एक्टिविटी की है। ठीक है, चलिए। हेलो एवरीवन, हम आ गए हैं फैंटम मोटो। रोहन सर, तो रोहन सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने फर्स्ट टाइम एनजीओ के साथ जुड़ के एक एक्टिविटी की थी, क्या आप बताएंगे कि आपने कब की और कैसे की? सर ये हमने राइड ऑर्गेनाइज किया था 3rd of July को संडे को, और हमने वहाँ पे 50 राइडर्स को हम ले गए थे एक ऑर्फेनेज में, रिलीज इन गोराई, उसका नाम है दिलखुश आजरा। दिलखुश, हाँ, वहाँ पे मतलब मैं वहाँ पे हमेशा गया हूँ बहुत बार। तो एक बार मैं उनसे जब मैं अपना मीटिंग करने गया था तो वहाँ उन्होंने मुझे अपने जीवन बताई कि हमको क्या क्या जरूरत है यहाँ पे, राशन पानी रिक्वायरमेंट उन्होंने वहाँ पे रखा कि जो भी चीजें उनको कम पड़ी है, उन्होंने ये किया। तो हमने वो हिसाब से कॉन्ट्रीब्यूशन किया, हमने एक राइड रखी हमारे कस्टमर्स के हिसाब से। आप लोगों को पता है कि मेरा राइडिंग यूएस का शो है, तो हमारे पास बाइकर्स बहुत सारे कॉन्टेक्ट में, हम ऐसे मतलब एवरी मंथ राइड करते हैं। तो राइड के लिए हमने एक ये बनाया, लीफलेट बनाया वहाँ पे, हमने 199 रुपीज का पर हेड का ये रखा, 199 ओनली, ओके। एंड उससे हम लोग 50 लोग आए, एक्चुअली हमने 100 लोग 150 लोगों की भी राइड, बट लेकिन कुछ लोग जुड़े आपसे, राइट? मतलब मेरे ख्याल से आपसे ज्यादा लोग ही जुड़ने के लिए आए होंगे, बट लेकिन आपने नंबर एक रखा था 50, मैंने 50 का ऐसा रखा ताकि वो जो आश्रम में आप जा रहे हैं या फिर जो उस जगह पे स्पेस का इशू ना हो, इसलिए जाएंगे सबके पास एक एक बाइक रहेगी, बाइक पार्क करना एंड ऑल थोड़ा डिफिकल्ट टास्क था मेरे लिए। तो कैसा लगा आपको वहाँ पे जब एनजीओ में आप गए? वहाँ देखिए, ये मेरा वहाँ का फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था, बट फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसा बोल सकता कि मैं पहले गया था तो मैं किसी के साथ गया था, कोई मुझे ले गया था अपने साथ में। अब इस बार आप सबको लेके गए? मैं सबको लेके गया, तो एक तरीके से ये है, क्या बोलते, चेन है। अच्छा, ठीक है। तो इम्पैक्ट पड़ा वहाँ पर अच्छा खासा? बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा, बहुत लोगों ने वहाँ पे ऑन द स्पॉट भी कुछ चीजें डोनेट की। वाओ। और उन लोगों ने बोला कि भाई आपका ये दीजिए, कॉन्टेक्ट दीजिए, हम आगे भी कुछ चीजें करना चाहेंगे, हमारे फैमिली को लाना चाहेंगे। राइट राइट, यहाँ पे जो बच्चे होंगे, हमने हमको बर्थडे मनाना है हमारे बच्चों का,
तो साथ में आके सेलिब्रेशन करेंगे व्हाटएवर जो भी उन्होंने प्लान किया है मतलब उनके करते हैं कुछ ना कुछ करते हैं एक्टिविटी। तो देखिए मैं आपको यही बोलना चाहता था कि जो हम एक्टिविटी डिस्प्ले कर रहे हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं इसका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू लोगों का होता है तो हम एक पॉजिटिव वाइब्स होने चाहिए लोगों में और वो सामने से और सोचे कि हाँ किसी और को रिक्वायरमेंट है वाकई में रिक्वायरमेंट है और ज़्यादातर लोग जुड़ने चाहिए ऐसा हमारा लक्ष्य है। तो देखिए फैंटम मोटर ने भी ये किया से इंस्पिरेशन लिया भले ही पर लेकिन आपने देखा कि हाँ ये एक्टिविटी कर सकते हैं हम आपने देखा आपने अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट भी किया और उसको एक काफी अच्छे लेवल पे ले गए आप। तो थैंक यू रोहन सर कि आपने इतना अच्छा एक्टिविटी किया और दिलकुश जो आश्रम है उनको उनके साथ आप जुड़े मेरे ख्याल से और भी लोग ये वीडियो देख के एक एनजीओ नहीं ऐसे कई उनके कॉन्टेंट में एनजीओ होंगे उनसे वो जुड़ेंगे और डोनेशन करेंगे। तो मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प मिलनी चाहिए एनजीओ के थ्रू क्योंकि वो जानते हैं कि कहाँ करना चाहिए और कहाँ नहीं। ठीक है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड अच्छे काम करते रहिए और हमसे जुड़े रहिए। रोहन सर से आप जुड़ सकते हैं उनके इंस्टाग्राम पेज पर मैं आपको आईडीज लिंक के इस पे इस वीडियो के एंड पे दे दूंगा। ठीक है तो थैंक यू सो मच बाय बाय।